तो हेलो गाइज, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के क्वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जैसा कि वीडियो देख सकते हैं टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में आ चुका है। तो आज मैं आपको इसी वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। तो आपको करना क्या है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन से काइनमास्ट एप्लीकेशन और एक वीडियो का लिंक दे चुका हूँ। सिंपल अपलोड करने के बाद काइनमास्ट एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। 9x16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पर आना है और आपने जो वीडियो शूट कर रखे है सिंपल आपको वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं आपको वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे वीडियो को सेलेक्ट कर लिया हूँ। सेलेक्ट करने के बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट है वीडियो में, एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू लेफ्ट या राइट कर सकते हैं। तो सबसे पहले वॉल्यूम को म्यूट करता हूँ। म्यूट करने के बाद आपको देखना है वीडियो हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ से चलने के स्टार्ट किया हूँ। वीडियो कलर पर क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड का पार्ट को ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे और आपको देखना है वीडियो हमारा कहाँ पर ख़त्म हो रहा है। वीडियो कलर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे और ट्रिम टू राइट कर देंगे। और इस वीडियो को आपको स्लो मो में करना है। वीडियो कलर पर क्लिक करेंगे, स्पीड कंट्रोल पे आना है और आपको 0.5 कर देना है। ये वीडियो आपको स्लो मो में हो सकता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपका वीडियो कुछ इस तरह से आप देखने को मिल जाएंगे, जो स्लो मोशन में काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। इसके बाद आपको क्या करना है, लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, मैंने ग्रीन स्क्रीन वीडियो का लिंक दे चुका हूँ। सिंपल आपको वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो कलर पर क्लिक करेंगे और लास्ट पॉइंट पे आ जाना है। लेकर वीडियो को क्लिक करेंगे और इसे आपको फुल स्क्रीन में कर देना है। वीडियो कलर पर क्लिक करेंगे और क्रोमा की को आपको सिंपल इसे आपको इनेबल कर देना है और इसे आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देना है। वीडियो कलर पर क्लिक करेंगे और इसे आपको कुछ इस तरह से ऑफ करना है और सही तरह से आपको जहाँ पर भी एडजस्ट करना है वहाँ पर आपको सही से एडजस्ट आप कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में आपको साउंड ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी साउंड ऐड है। सेटिंग पे करना है क्लिक और ऑडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है। शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक भी दे चुका हूँ, उसी वीडियो के साउंड पर आपको इस वीडियो को अपलोड कर देना है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सलेन चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।